वो हमेशा अपनी बात को पार्लियामेंट में जब रखते हैं तो बार बार अपनी कामयाबियों को सुनाते हैं और उनके फेल्यूअर्स को छुपाते हैं, और जो हम उनके फेल्यूअर्स के बारे में भी जब कहते हैं तब भी हमको उतना उसको महत्व नहीं दिया जाता है। तो इसलिए हमने सोचा कि एक ब्लैक पेपर उस इस सरकार के खिलाफ निकालना और लोगों को बताना, इस दृष्टि से आज हम ये आपके सामने रख रहे हैं। वो बाद में देंगे जो अपना ये है डिटेल्स, लेकिन उसमें मेन मुद्दे ये हो गए कि बेरोजगारी जो सबसे बड़ा मुद्दा है देश में, और इसकी बात कभी बीजेपी की सरकार नहीं करती, और न करने से आज वो हमेशा 10 साल की तुलना करने का सोचते हैं। और मुझे कभी कभी ऐसा हंसी आती है कि उन्होंने परसों पब्लिक सेक्टर्स की बात करके हम उन्होंने बताया, लेकिन ऐसा नहीं कौन सा बताया कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जमाने में HAL, HMT, BEL, BHEL ऐसे चीजें कोई है उन्होंने कभी बताया नहीं। वो कौन से हैं उनके जमाने में पब्लिक सेक्टर्स, कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला, कितने लोगों को अच्छी नौकरी मिली, ये उन्होंने कभी नहीं बताया। और दूसरी बात ये तो रोजगारी की, एक देहात में भी रोजगारी कम हो रही क्योंकि ये नरेगा का पैसा वो रिलीज नहीं कर रहे, और हर स्टेट में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। जैसा कि कर्नाटक है, आंध्रा है, जहां भी बोलिए, या तेलंगाना है, केरला और कर्नाटक, सभी ऐसे जो यहाँ पर जो नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी स्टेट्स जो है उनको निग्लेक्ट किया जा रहा है, कहीं के भी वहां पर उनकी सरकार नहीं है, वहां पर उन्होंने कुछ पैसा छोड़ते नहीं, देते नहीं, और बाद में ये कहते हैं कि हमने तो रिलीज किया है वो खर्च नहीं हुआ। ऐसा नहीं होता, जब जब खर्च करते हैं उस वक्त अगर आप इमीडिएटली पैसे देते फिर आगे का काम होता है, लेकिन वो पर्पसली वो लोगों को काम नहीं देना और खर्च नहीं हो रहा ये बोलना, ये एक बहुत बड़ी साजिश है ये बीजेपी के साथ। और दूसरा महंगाई, महंगाई तो इतनी बड़ी है तो वो नेहरू के जमाने की कंपेयर करते हैं, इंदिरा गांधी जी के कंपेयर प्राइसेस उस वक्त क्या थे वो, अरे आज आप क्या कर रहे हैं वो महत्व का है। यू आर रूलिंग टुडे, इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आपने क्या कदम उठाया ये महत्व का है, ना कि आजादी के पहले क्या था, फिर नेहरू जी ने क्या किया, इंदिरा जी ने क्या किया, राजीव ने क्या किया, क्योंकि कांग्रेस को तो आप गालियां देते दे दो, लेकिन ये मेन समस्या है महंगाई का, आपने इसको जो उसको कंट्रोल करना था वो नहीं किए। और ऐसे है चंद ये पल्सेस है, ये आप कंट्रोल कर सकते हैं, तेल है आप कंट्रोल सकते, एसेंशियल कमोडिटीज जितने भी होते हैं उसको कानून है कंट्रोल करने का, लेकिन चंद ऐसे उनके लोग हैं
उनके दो श्लोक हैं, वो यहाँ पर अगर महंगाई हो गई तो बाहर से इंपोर्ट करते हैं, वो जहाज समंदर में रखते हैं टिल यहाँ के प्राइसेस राइज नहीं होते। जब प्राइसेस राइज होते हैं तब वो समंदर में रहने से जहाज पोर्ट पे लाते हैं, पोर्ट पे इसे लाने के बाद ही उसको वो टैक्स लगेगा, वो लगेगा, ये लगेगा, इसीलिए वो भी काम वो करते हैं। यानी दे ट्रीट बिग बिग जो जहाज होते हैं उनको एक गोडाउन के तरफ वो ट्रीट करते हैं, तो ऐसा भी फायदा वो लोग अपने दोस्तों को करके देते हैं।